आप देख रहे हैं दानवीर सिंह यूट्यूब चैनल और मैं हूं कर्ण दानवीर। जय हिंद। कल आपने देखा कि कैसे यासीन मलिक को, जो सेपरेटिस्ट लीडर है, टेररिस्ट है, उसको सजा हुई। सजा उम्र कैद की हुई और साथ साथ और भी सजाएं हुई जो साथ साथ चलेंगी, कंकरेंटली चलेंगी। तो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप कल से टेलीविजन देख रहे हैं, समाचार पत्र आज सवेरे का पढ़ चुके हैं और आपको ये बारीकियां अच्छी तरह समझ में आ गई कि क्या था वो कारण जिसकी वजह से इसको इस केस में, फॉरेन फंडिंग के केस में सजा हुई। फॉरेन फंडिंग फॉर टेररिज्म, इसमें यासीन मलिक को सजा हुई। अब हम बड़े सवाल पर आते हैं और वो है कश्मीर का मुद्दा। इसको, क्योंकि ये कश्मीर से जुड़ा हुआ पूरा मुद्दा है। अब कोई इसको कह रहा है गांधीयन, कि ये गांधीयन थे। पाकिस्तान के एक मशहूर टीवी एंकर हामिद मीर कहते हैं कि ये नेल्सन मंडेला है और इस तरीके की तुलनाएं की जा रही हैं। लेकिन कोई भी इनको जिन्ना विद गन नहीं कह रहा, कोई भी इनको मुजीबुर रहमान नहीं कह रहा, इनको गांधी और मंडेला से क्लब करके और इसका महिमा मंडल करने की कोशिश की जा रही है। अब इसको हम इस पर्सपेक्टिव से समझें कि कश्मीर घाटी में इसका और इसके जैसे अन्य सेपरेटिस्ट का क्या रोल रहा है। ये कोई चीज हम किसी से नहीं छुपी कि ये सारे के सारे पाकिस्तान से पैसा लेते थे, यूथ में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यूथ पत्थरबाजी करता था, यूथ हथियार उठाता था और सेपरेटिस्ट मुहिम को हवा देने का ये लोग प्रयास, काम निरंतर करते रहते थे। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने धारा 370 को हटाने के बाद इनके ऊपर एनआईए का शिकंजा कसा। हवाला के जितने भी चैनल थे, पाकिस्तान से इलीगल जो पैसा आता था उसको रोका और इन सब को पकड़ कर बंद कर दिया। दरअसल यही इस कश्मीर आतंकवाद की सांस की नली है। इनको आप उस तरीके से देखिए कि ये सांस की नली है। इनको पकड़ना बहुत आवश्यक था। अब जब से ये पकड़े गए हैं तब से शायद ही कश्मीर घाटी के अंदर पत्थर फेंके गए हो, उस तरीके की पत्थरबाजी हुई हो। लेकिन अब इसको हम दूसरे तरीके से भी देखें। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जरूर इनको पकड़ के अंदर कर दिया, इनके ऊपर 30 साल पुराने केस चल पड़े और इनको सजा भी हो गई। लेकिन ये 30 साल के अंदर जो हुआ, इससे क्या मैसेज आता है, उसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। FIR सही समय पर जब भी ये वाके हुए तब दर्ज की गई और उन्हीं FIR को बुनियाद बनाते हुए इसको आज सजा हुई है। और अभी स्क्वाड्रन लीडर अहुजा के केस में इसको सजा होनी अभी बाकी है। मेरे ख्याल से शायद अहुजा ही थे, मेरे दिमाग से उतर रहा है। तो स्क्वाड्रन लीडर, मैं माफी चाहता हूं अगर नाम गलत हो गया, स्क्वाड्रन लीडर जो इसने श्रीनगर के अंदर मारे, उसके साथ और लोग भी जो इसने गोली से मार दिए, उसके ऊपर अभी सजा होनी बाकी है। तो वो उम्मीद है कि इसको डेथ पेनल्टी या सजाए मौत की सजा दी जाएगी। बहरहाल ये अपना मत है, ये अपना व्यू है, ये मेरा व्यू है। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए, ये पॉपुलर व्यू भी है। लेकिन अब इसको हम अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। 30 साल पहले ये आतंकवाद में मुलविस था, इसके हाथ में हथियार था, ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक आतंकवादी था। और जैसा मैंने बताया कि एक स्क्वाड्रन लीडर और बाकी एयरमैन की इसने हत्या करी, उसके अलावा बहुत सारे कश्मीरी पंडितों की हत्या में भी ये मुलविस रहा और बाद में इसने हथियार छोड़कर और प्योरली एक पॉलिटिकल रोल इख्तियार कर लिया। इसकी पत्नी भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के अंदर इसकी सजा से पहले जिस तरीके से बयान आए, उधर इमरान खान भी तड़प रहे थे, उधर और भी सियासतदान बेचैन थे, शाहिद अफरीदी फोटो ऑप्स में लगा दिया गया DGISPR ने, वो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के झंडे के साथ खड़े होकर और कहानी सुना रहे हैं। तो इस प्रकार का पाकिस्तान के अंदर बेचैनी जो है हमें देखने को मिली, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान की फॉरेन फंडिंग को यासीन मलिक ने कबूला है,
उसने कहा है कि उसने प्लीड गिल्टी किया है, इसीलिए उसको सजा उसकी इनफैक्ट कम हो गई है कि उसने अपने जुर्म को कबूला है, और उसके उसके इस कबूलनामे से पाकिस्तान कटघरे में आता है, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, और भी ये केस अब मजबूत हो जाता है कि देखिए पाकिस्तान एक फॉरेन फंडिंग करके आतंकवाद फैलाने का पूरा एक मैकेनिज्म है और इसके ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए। अब ये तो रही बात यासीन मलिक, फॉरेन फंडिंग, पाकिस्तान, पाकिस्तान में बेचैनी। मैं फिर से ध्यान आकर्षित करता हूं कि 30 साल पहले जो इसने ये काम का और कर्मकांड करे जिसकी वजह से FIR इसके खिलाफ दर्ज हुई, इसको सजा क्यों नहीं दी गई? इसको क्यों उस समय के प्रधानमंत्री मिलते रहे? क्यों इसको टेलीविजन की डिबेट्स में, कॉन्क्लेव्स में बुलाया गया? क्यों इसको उस तरीके का सम्मान दिया गया? क्यों इसको कई सारे फोरम्स पे इनवाइट करते रहे? क्यों इसको टेररिस्ट नहीं बोला गया? और क्यों इनडायरेक्टली इसको एक बागी के रोल में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया? क्या ये अपीजमेंट थी? क्या ये सरकार की पॉलिसी थी, या सरकार की पॉलिसी नहीं थी लेकिन सरकार की कमजोरी थी? इन सारे चीजों पर सवाल खड़ा होता है। अब पिछले 30 साल में इस आदमी को इतना बड़ा दर्जा बना दिया, किसने बनाया? हमारे राजनेताओं ने बनाया, हमारे टेलीविजन चैनलों ने बनाया, जबकि इसकी खुद की जो वैल्यू है श्रीनगर के जिस मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक भी नहीं जाती है, लेकिन हमने इसको लार्जर देन लाइफ की फिगर बना दिया। और पाकिस्तान जिस तरीके से तिलमिला रहा है क्योंकि हमने उसको लार्जर देन लाइफ बनाने का प्रयास किया, बनाया, और उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। सबसे बड़ा रुपया पैसा बोलता है, तो पैसा इसके थ्रू कश्मीर के अंदर बंटवाया, आतंकवाद और अलगाववाद को फैलाने में पूरा ISI ने रोल अदा किया। तो ये रही कहानी। तो मेरा पॉइंट ये है कि 30 साल के अंदर जिस तरीके से इस व्यक्ति का महिमा मंडल हुआ, अपीजमेंट हुई, कहीं ना कहीं हमने कश्मीर के मसले को एक नुकसान पहुंचाया है। अगर शुरू से इंडियन स्टेट मजबूत होता, स्ट्रांग होता और नो नॉनसेंस की पॉलिसी इख्तियार करता तो शायद अभी कहानी कहीं की कहीं और होती। अब जब हम बात करते हैं कश्मीरियत की और इंसानियत की, ये सब बेबुनियाद है क्योंकि अभी वैली जो है पूरी तरह रेडिकलाइज्ड हो गई है और वो सिर्फ और सिर्फ वो देखता है, वो पढ़ता है, वो समझता है जो उसको कुरान में समझाया जाता है, कुरान के हवाले से समझाया जाता है, और उसके मुताबिक सूफी कल्चर जो कश्मीर के अंदर है वो भी हराम है, टेलीविजन, फिल्में, ये सब हराम है, शराब पीना वो भी हराम है, मौसीकी सुनना वो भी हराम है। वो बात और है कि ये सारी चीजें पाकिस्तान में बदस्तूर जारी हैं, लेकिन उन्होंने इस रेडिकलाइजेशन के अंदर जिस तरीके से कश्मीर घाटी के लोगों को गुमराह किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पाकिस्तान की ISI की, ये कहेंगे। और हमको ये इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे जो स्टेट है वो क्यों इस रेडिकलाइजेशन को रोक नहीं पाई। मेरे ख्याल से अब ये प्रोसेस शुरू हुई है और इसी प्रोसेस का हिस्सा है कि यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को सजा हुई है और भी सजा होनी अभी बाकी है। स्क्वाड्रन लीडर केस के अंदर भी उम्मीद है कि सजाए मौत इसको दी जाएगी, और ऐसे ही और भी जो लोग हैं, बिंदा कराटे हैं, मसरत आलम हैं, इनको भी इसी तरीके से सजा दी जाएगी और इनको फांसी पर टांगा जाएगा। ये बहुत अहम है। साथ के साथ हमें डी रेडिकलाइजेशन भी करना है। कल ही अमरीन भट्ट नाम की एक TV अदाकारा और एक सोशल मीडिया एक फिगर, उसको गोली मार दी गई। उससे पहले एक मुदस्सर, एक पुलिस वाला है, वो शहीद हो गया। फिर एक पुलिस वाले को गोली मार दी गई जिसके एक बच्चे को भी, बच्ची को भी गोली मारी 7 साल की, वो बच गई, लेकिन वो जो पुलिस वाला था वो बेचारा शहीद हो गया। तो इस तरीके की घटनाएं वैली में हो रही हैं, लोगों को डराने की कोशिश में
आईएसआई लगी हुई है क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हाथ से कश्मीर घाटी स्लिप हो गई है, हाथ से निकल गई है, लोग वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। टूरिज्म जो है वैली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ रहा था और इससे पाकिस्तान बिल्कुल घबरा गया है। अमरनाथ यात्रा आने वाली है, उसके ऊपर भी ये बदमाशी कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे भी, इसमें भी मेरे को कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और आईएसआई घबराई हुई है। ये आपको यासीन मलिक के जो जो सजा हुई है और उससे रिलेटेड पाकिस्तान मीडिया के अंदर जो हलचल मची, पाकिस्तान नेताओं के जो बयान आए, उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान अभी कितना घबराया हुआ है। बहरहाल इसी के साथ ये यासीन मलिक के ऊपर जो मेरा विचार था ये यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले किसी मौजू पर फिर मुलाकात करते हैं, फिर बात करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।